राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस मौके पर राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधने के साथ साथ मानवेंद्र का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सहर्ष ये उम्मीद करता हूं कि उनके आने से जो बल हमारे संगठन और पार्टी को मिलेगा उसका उपयोग हम आने वाले विधानसभा चुनाव और तत्पश्चात भी करेंगे। मानवेंद्र सिंह जी सांसद रहे, वर्तमान में विधायक हैं, एक साफ छवि के स्पष्टवादी नेता हैं और जैसा अशोक गहलोत साहब ने बताया कि जो बर्ताव, जो व्यवहार, जो कार्यप्रणाली रही है भाजपा की, आप कल्पना कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर अब तक उस पार्टी को सींचा, उस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उन सब लोगों की दशा कर दी है कि वो सब विकल्प तलाश कर एक बेहतर कल की उम्मीद करते हुए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आत्मचिंतन का विषय है, विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए कि जिन लोगों का आशीर्वाद लेकर उस मुकाम तक पहुंची थी और आज किन व्यवस्थाओं के कारण, अपने व्यवहार के कारण और अपने कुशासन से लोगों को जो नकारात्मक प्रभाव उन्होंने डाला है उसके कारण अनेकों लोग आज भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और जिस प्रकार का टकराव उन्होंने पैदा किया है राजस्थान के अंदर, जाति समाज की बात कर लोगों में जहर घोलने की कोशिश की है और व्यक्ति से ज़्यादा अनेकों समाजों की पगड़ी उछालने का काम जो लगातार उन्होंने किया है उसी का परिणाम है कि आज लगातार लोग एक बेहतर विकल्प देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं मानवेंद्र सिंह जी का और देशमुख साहब का दोनों का स्वागत करता हूँ और विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि आने वाला समय किस तरफ है, पब्लिक का मूड कहाँ पर है। और आप कल्पना कीजिए ऐसी पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, उसके बावजूद जो अपनों को जिन्होंने त्याग बलिदान दे के मंत्री मुख्यमंत्री बनाया उन लोगों को किस हाशिए पर लेकर आए हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के अंदर सब जाति बिरादरी समुदाय समाज के लोगों को पूरा स्थान मिलता है और 36 कौमों को लेकर राहुल जी के नेतृत्व में आने वाले 4-5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ पर हम भारी विजय लेंगे। और राजस्थान में तो जो पब्लिक का मूड है, अगर ये हाल भाजपा के नेताओं का वसुंधरा जी ने कर रखा है, आप सोच सकते हैं कि प्रदेश की जनता का क्या होगा। लोगों में निराशा है, लोगों में क्रोध भी है, लेकिन समय बड़ा बलवान है। 7 तारीख को राजस्थान में मतदान होगा, उसमें मानवेंद्र सिंह जी के तमाम साथियों का हम सहयोग लेंगे और एक परिवार के रूप में काम कर आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने अहंकार और जो घमंड उनको है उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। पब्लिक उतारू है कि इसको पार्टी को केंद्र और प्रदेश हर जगह से हटाकर पब्लिक का राज बने, पब्लिक की भागीदारी वाली सरकार बने और कांग्रेस पर पूरा लोगों का आशीर्वाद रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं एक बार पुनः देशमुख जी का और मानवेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिलहाल अब देखना होगा कि मानवेंद्र सिंह का साथ कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।